भारत में मस्जिदों की संख्या कितना है? बाल किसका अधिक बढ़ता है, लड़का या लड़की? भूकंप आने से पहले किसे पता चलता है कौन सा अधिक बोलता है, लड़का या लड़की? वीडियो के अंत तक बने, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गाइज, क्या आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि जो बॉय और गर्ल का हेयर होता है, यानी कि लड़का और लड़की का जो बाल होता है, वह किसका अधिक बढ़ता है और किसका कम बढ़ता है? आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं? मैं बता देता हूँ कि पूर्ण रूप से कि जो लड़की का बाल होता है वह कम बढ़ता है लड़के का अपेक्षा, यानी कि लड़के का जो बाल होता है वह तेजी में बढ़ता है लड़की की अपेक्षा, लड़की का कम बढ़ता है और लड़के का अधिक बढ़ता है। गाइज, एक कार जो तैयार होता है, यानी कार जो चार चक्का कार तैयार होता है, उसमें कितने पार्ट पुर्जा लगाए जाते हैं? यानी कि एक कार चक्का, यानी कि चार चक्का कार को तैयार करने में लगभग कितने पार्ट पुर्जा को लगाए जाते हैं? लगभग 300, यानी कि 3000 से अधिक पार्ट पुर्जा को मात्र एक कार को तैयार करने में लगाए जाते हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में है। गाइस, भारत देश में मुस्लिमों का मस्जिद कितना है? जैसे कि कोई देश है जहाँ पर पूर्ण, यानी कि पूर्ण रूप से वहाँ पर मुस्लिम ही शासक है, यानी कि पूर्ण मुस्लिम ही है, वहाँ पर अधिक मात्रा में मस्जिद होना अनिवार्य है। लेकिन एक भारत देश में जहाँ पर मुस्लिम राज्य नहीं कहा जाता है, हिंदुओं का राज्य कहा जाता है, वहाँ पर मस्जिद, यानी कि सभी देशों के मुकाबले मस्जिदों की जनसंख्या है, मस्जिद वह सबसे अधिक भारत देश में पाया जाता है। दुनिया के मैं बात कर रहा हूँ, इस दुनिया के यानी कि वर्ल्ड की बात किया जाए तो सबसे अधिक इंग्लिश कहाँ पर बोले जाते हैं? आप लोग कहेंगे कि विदेशों में, अक्सर यहाँ विदेशों में बोला जाता है, लेकिन कहाँ पर? अमेरिका में सबसे अधिक बोले जाते हैं, उसके बाद कौन सा है? भारत है। लेकिन भारत आप लोग कहेंगे कि भारत कैसे है? चीन है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, इन सब में इंग्लिश बोला जाता है। जी हाँ, चीन में अधिक जनसंख्या भी है और चीनी भाषा वहाँ पर अधिकतर बोला जाता है, वहाँ पर इंग्लिश कम बोला जाता है, चीनी भाषा अधिकतर बोला जाता है, जो कि उसके बाद भारत, यानी अमेरिका के बाद भारत ही आता है इंग्लिश बोलने में। जब भूकंप, यानी कि पृथ्वी पर जब भूकंप आने वाला रहता है, तो किस जीव जंतु को मालूम, यानी कि पता चल जाता है कि बहुत जल्द, यानी कि कुछ ही पल में भूकंप आने वाला है? आप जानकर चौंक जाएंगे, आपके नजरे में वह जीव जंतु है लेकिन उसके बारे में आप जानते ही नहीं है। आप लोग कुत्ते को देखे होंगे कि जब भूकंप आता है उसके पहले वो भागने, इधर उधर भागने लगेंगे। सांप है, वो यानी कि स्नेक है, वो भी उधर उधर भागने लगेंगे, यानी कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने। गाइस, महिला और पुरुष, यानी कि महिला जितना बोलती है एक दिन के अंतर्गत और पुरुष एक दिन के अंतर्गत जितना बोलते हैं, अगर दोनों का यानी कि बराबर किया जाए तो कौन सा, यानी कि महिला अधिक बोलती है या पुरुष? मैं आपको बताता हूँ कि जो महिला है वह सबसे अधिक मात्रा में बोलती है और पुरुष है वह कम मात्रा में। यहाँ कैसे? जो पुरुष है वह चल गए, यानी कि ऑफिस वगैरह काम में चले गए, वह काम कर रहे हैं, लेकिन महिला है वह घर पर आएगी, कहीं फोन से कहीं कुछ बात ही करते रहते, इसलिए महिला अधिक। गाइज, अगर कोई व्यक्ति, यानी कि मनुष्य में किसी व्यक्ति को अगर आप अन्न दाना, यानी कि उसे खाना नहीं दे रहे हैं, तो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? आप लोग कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि 1 से 2 दिन, अधिक दिनों तक नहीं। लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने देखे हुए हैं कि जो नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा जब होता है, उस समय लेट कर केवल संतरे के रस के मात्र 9 दिन तक वह जीवित रह सकता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आता है। इसीलिए 1 से 2 महीने तक वह केवल यानी कि खाना नहीं खाकर, बाकी फल फूल खाकर वह 1 से 2 महीने तक जीवित रह सकता है। गाइस, जो मच्छर है वह प्रत्येक व्यक्ति को अगर वह मच्छरदान, यानी कि जिसे कहा जाता है देहातों भाषा में, उसको अगर लगा के नहीं सो रहा है तो उसको अधिक मात्रा में मच्छर काटना है, यह तो फैक्ट है। लेकिन पुरुषों को अधिक करता है या महिलाओं को अधिक करता है मच्छर, यह बात कहना असंभव है। लेकिन इनमें से भी निकाला गया है कि जो महिला है, यानी कि महिला को मच्छर अधिक करता है और पुरुषों का मच्छर वहाँ कम करता है, यानी कि महिला को अधिक और पुरुषों का। चौंकने वाला बात यह है कि आज तक मैंने, यानी कि आप भी कबड्डी खेले होंगे, हम लोग भी कबड्डी खेले हुए हैं, लेकिन आप जो कबड्डी खेले हुए हैं, जैसे कि भारत और अलग अलग देशों में कबड्डी खेला जाता है, जितने भी जो कबड्डी हुआ है उसमें जितने में भाग, कबड्डी में भाग भारत लिया हुआ है, उसमें से कौन सा देश जीता हुआ है? यहाँ बात फैक्ट है कि भारत ही देश ही, यानी कि जितने भी कबड्डी हुआ है उसमें से भारत देश ही सारा का सारा कबड्डी जीता हुआ है। यहाँ बात आपको जानकर कैसा लगा? गाइज, अगर कोई व्यक्ति, यानी कि वहाँ जैसे कि बारिश हो रहा है, उस बारिश के दौरान कोई व्यक्ति निकल कर बारिश में घूम रहा है या स्नान कर रहा है या कोई प्रक्रिया यानी कि बारिश में कर रहा है, अगर उसके ऊपर ठंड का यानी कि बिजली, आकाशीय बिजली अगर गिर जा रहा है, तो कितना उस व्यक्ति का कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान जो होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस पर चल जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, वह 27,800 डिग्री सेल्सियस पर चल जाएगा, यानी बहुत अधिक ताप हो जाएगा उस व्यक्ति के पास है, जो कि सूर्य के कई गुना, यानी कि सूर्य के जो ताप है उसे कई गुना हो जाएगा। गाइज, मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ
हूँ कि शार्क मछली होता है उसके बारे में मैं आपको बहुत अधिक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन शार्क मछली के जो भी एक प्रजाति है जो कि सैंड टाइजर शार्क कहा जाता है, उसके जो बच्चे होते हैं यानी एक दो बच्चे होते हैं, लेकिन अंदर उसके दो बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों में से वहाँ लड़ाई करते हैं अंदर ही, जवन जीतता है उसके अंदर जो बच्चे वहीं जन्म लेते हैं, बाकी एक उसी में नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार के मेरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।